गुड मॉर्निंग सहर कार्यक्रम से मैं कामिनी खन्ना आप सभी प्यारे और समझदार श्रोताओं के साथ दर्शकों के साथ एक बार फिर बधाइयां जी बधाइयां। जिस दिन आंखें खुल जाए वो जन्म सबसे अच्छा होता है हमारा रोज सुबह का, और उसी को सफल बनाना चाहिए। आइए अब इस जन्म को सफल बनाते हुए मैं आपको बताती हूँ 4 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक का ये जो सप्ताह है उसके अंदर क्या चेंजेस बड़े वाले आने वाले हैं जो कि एस्ट्रोलॉजिकली असर देंगे आप पे। बहुत बड़ी एक घटना होने वाली है कि गुरु स्वग्रही होने वाले हैं धनु राशि में, और बड़ी मजेदार बात है गुरु का खेला बड़ा अजीब सा रहेगा 2019 और 2020 में भी। तो गुरु जो है वो 5 नवंबर 2019 को धनु राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन साथ ही साथ 30 मार्च 2020 की सुबह 5:50 पर मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो फिलहाल हम गुरु की जो स्वग्रही जो स्थिति है उसको एंजॉय करें, और 30 मार्च के बाद जो वो नीच के होंगे उसकी स्थिति बाद में देखी जाएगी। अभी फिलहाल हम जाने मेष से लेके मीन राशि वालों पर क्या असर होने वाला है। अच्छा असर पहले बताया जाता है, बुरा असर थोड़ा सा साइड में रखा जाता है। मेष राशि, धनु में गुरु आने से आपका उत्साह बढ़ेगा, उमंग बढ़ेगा, और आपको जीने का मन करेगा। काम के भीतर आपकी यात्राएं शुभ हो जाएंगी और आपकी पर्सनालिटी में आएगा एक अजीब सा निखार। एंजॉय कीजिए अपनी स्थिति को। वृषभ राशि में गुरु का ये प्रवेश आपकी हेल्थ को अच्छा करेगा और आपको बहुत सारी एंजॉयमेंट विदेश रिलेटेड यात्राओं में, और साथ में आपको धन प्राप्ति के योग भी, घरेलू सुख सुविधाएं, माता की तबीयत ठीक होना ये भी सुख है। मिथुन राशि, आपके लिए अब पैसे आएंगे, कोई व्यक्ति जो जीवन में बिछड़ गया था आपका प्यारा वापस आएगा, और आपकी पर्सनालिटी सात्विक धार्मिक हो जाएगी, और वैसे ही आपकी यात्राएं शुभ होंगी, एंजॉय करेंगे आप। कर्क राशि, आपके लिए अब गुरु का ये भ्रमण आपको विदेश रिलेटेड कामों में फायदा दिलाता है, आपको आपके काम बढ़ा देता, आप बिजी हो जाते हो, और इसके साथ ही पैसा भी आता है आपके जीवन में। सिंह राशि, आपके लिए गुरु का भ्रमण आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स लाता है, काम लाता है, यात्राएं लाता है, और आपकी पर्सनैलिटी में निखार लाता है, और इसके साथ साथ अपना पैसा संभाल के रखे ऐसा भी कहता है। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए गुरु का ये भ्रमण आपसे कहता है कि आप प्लीज 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 अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, अच्छी हो जाएगी हेल्थ आपकी, और साथ ही आपके काम पे ध्यान दीजिए, वहां पर आप कुछ परेशान ना होइएगा, और विदेश रिलेटेड काम करते हैं अगर आप तो उसमें आपको फायदा होने जा रहा है। तुला राशि, एंजॉय कीजिए अपनी स्थिति को, गुरु के धनु में आने पर शुभ यात्राएं, और आपको उसमें बहुत सारा फायदा नहीं लेकिन एंजॉयमेंट जरूर होगी। विवाहित जीवन में सुख और पैसों से भरपूर आपकी झोली। वृश्चिक राशि, एंजॉय कीजिए अपने परिवार की खुशियां, अपनी वाणी से निकला हुआ ओज, तो बोलने से लोग प्रभावित होंगे तो काउंसलिंग कंसल्टेशन के काम चलेंगे, हेल्थ संभालनी पड़ेगी, विरोधी शांत हो जाएंगे, काम बढ़ जाएंगे। धनु राशि, आपके शादी के महायोग आ गए, बस तैयारियां कीजिए शादी की, और 30 मार्च के अंदर पटा लीजिएगा यह काम, क्योंकि बाद में 3 महीना फिर मुहूर्त नहीं रहेगा। आपकी चयन ठीक होना चाहिए, मतलब कि चूज ठीक करिएगा, माइंड बड़ा सही चलेगा आपका, और नए नए ऑफर्स काम के भी आएंगे। मकर राशि, आपके लिए मैं कहूँ अगर के बहुत अच्छा समय है, घरेलू सुख सुविधाएं, प्रेम संबंध में जो बेचैनी थी उससे निजात मिलेगी, आपका खर्च होगा शुभ, इसमें आप खुश रहेंगे, और विदेश रिलेटेड यात्राएं और घरेलू सुख के साथ साथ तबीयत अच्छी। कुंभ राशि, आपके लिए अब ये मोमेंट गुरु की कहती है कि पैसा संभालो, बहुत सारा पैसा आने वाला है, यात्राएं बहुत होने वाली है, शुभ यात्राएं होने वाली है, बच्चे थोड़ा सा कचपच कर सकते हैं, लेकिन आपका भी माइंड तो इतना ज्यादा सधा हुआ नहीं है इन दिनों, तो मेडिटेशन कीजिए। मीन राशि, आपके लिए अब ये स्थिति के परिवार में बड़ी सारी खुशी पैसा आने से, और दूसरी बात कि आपका काम बढ़ा जो इतने दिन से रुका हुआ था, आप बहुत परेशान थे, आपका लग्नेश जो है वो स्वग्रही होकर आपको सुख देने आ रहा है, और दूसरी बात कि आपके विरोधी शांत हो रहे हैं, लोन्स अगर आपको चाहिए तो मिल जाएंगे। बहुत सारे डायमेंशंस हैं गुरु के विषय में, इस तरह खत्म ना होंगे, मैं काम ही नहीं करना बताने बैठूं तो मिनिमम मुझे 8 दिन चाहिए गुरु के डायमेंशंस बताने के लिए, चलिए थोड़े में आपको मैंने बताया। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।